अगर मैं आपसे कहूं कि 106 साल से निरंतर ज्योत लगातार इस मंदिर में जलता आ रहा है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी तक कोई भी हवा का झोंका उस ज्योत को नहीं बुझा पाया है, आप सोच सकते हैं 106 साल से लगातार उसी तरीके से दीपक जल रहा है और एक ऐसा मंदिर है जहां आने के बाद आपके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मुझे लगता है जिन लोगों की भगवान में आस्था और विश्वास है तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने के जो लोग हैं वो शायद नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा इसके पीछे ज़रूर कोई साइंटिफिक रीज़न होगा, इसीलिए वो ज्योत जो है अभी भी जल रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिव्य शक्ति है, माता रानी की कृपा है कि यहाँ पर वो ज्योत, अखंड ज्योत करीब 106 साल से जल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले हर एक श्रद्धालु की सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। कौन सा है वो मंदिर और क्या है वहाँ की खासियत, आज के इस वीडियो में लाइव सिटीज आपको यही बताने जा रहा है। तो पटना में गोलघर के ठीक बगल में ये मंदिर जो है मनोकामना मंदिर स्थित है और हम अभी मनोकामना मंदिर के अंदर आए हुए हैं। आपको ये पूरा मंदिर हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ जो है ख़ास चीज़ें हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो माँ काली की दो प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। अभी हम आपको बंगलामुखी माता की प्रतिमा दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक एक करके जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उन लोगों की आस्था इस मंदिर को लेकर काफी ज्यादा है। अब इसके ठीक बगल में ये जो आपको गेट दिख रहा है, इस गेट के अंदर देखिए यहाँ पर ये देवी दुर्गा की जो प्रतिमा है, ये गर्भगृह आप कह सकते हैं ये मंदिर का। आप यहाँ पे देखिए अभी जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो पूजा अर्चना करने के साथ साथ माँ की आरती भी करते हैं। अभी जस्ट यहाँ पर आरती जो है वो कंप्लीट हुई है, तो लोगों को यहाँ पर जो श्रद्धालु लाइन में पहले लगे हुए थे वो अब आ रहे हैं, एक एक करके आरती कर रहे हैं। ये माँ देवी की दुर्गा की प्रतिमा और यहाँ पे और भी जो माता के अन्य रूप हैं उनकी भी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। कितने भव्य तरीके से ये जो है उनका स्थान जो है वो बनाया गया है, आप तस्वीरों में को देखकर समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे माँ देवी की जो सवारी है सिंह, उसकी भी प्रतिमा जो है वो बनाई गई है और लोगों में इस मंदिर को लेकर ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो है उत्साह रहता है, सबसे ज़्यादा वो इस मंदिर को लेकर आस्था रखते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आने के बाद जो भी लोग मांगते हैं वो सब कुछ यहाँ पर पूरा होता है। और जिस ज्योत की हम बात कर रहे थे वो ज्योत भी हम आपको दिखाएंगे। बताया ये जाता है कि यहाँ पर दो ज्योत है, ये जो ज्योत आप देख पा रहे होंगे ये दो ज्योत यहाँ पर लगाए गए हैं। एक दिया है जिसमें घी का सिर्फ प्रयोग होता है सिर्फ, और ये इसकी खासियत ये है कि करीब 106 साल से, अगर मुझे ठीक से याद है तो 106 साल से ये दिया जो है लगातार जलता आ रहा है। और इसके ठीक ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नीचे वाला दिया आपको मैंने दिखाया जिसमें घी का प्रयोग होता है, और इसके ठीक ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये तेल, इसमें तेल का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों अलग अलग दिए जो ऐसे दिए हैं जो सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है, ये कितनी अलग बात है ये कि आज तक ये ज्योत
कभी भी इसकी लौ जो है वो ठंड नहीं पड़ी, कभी भी ये बुझा नहीं, ये निरंतर जलता आ रहा है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर लोग ये देखने के लिए पहुँचते हैं, दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, और माता रानी के दर्शन करके यहाँ पे लोग जो हैं अपनी मनोकामनाएँ जो है वो मांगते हैं। बताया जाता है कि बहुत सालों पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 106 साल पहले कामाख्या से ये ज्योत जो है यहाँ पर लाई गई थी, यहाँ पर स्थापित की गई थी। खासियत ये भी है कि यहाँ के एक ही परिवार के जो तीन पीढ़ियों से लोग हैं वो माता रानी का सेवा कर रहे हैं। उन यहाँ पे पंडित जिनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से पूजा पाठ। और अभी देखिए, आप देख पा रहे होंगे अभी तस्वीरों में, ये देखिए किक करके कैसे चढ़ाया जाता है। चढ़ावा यहाँ पे, चढ़ावा जो है थोड़ा अलग है, एक डाली होती है जिसमें आप जो है नारियल जो है वो उसमें कॉमन होता है, नारियल और हल्दी आप देख पा रहे होंगे। हल्दी है, अड़हुल का फूल जो कि माता रानी को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, ऐसा कहा भी जाता है कि माता रानी का वन ऑफ द फेवरेट जो माता रानी को सबसे ज़्यादा पसंद है ये फूल। और इसमें आप मखुंदाना का वो पैकेट देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ सामग्री है जो माता रानी को चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में होती है सबसे खास आरती, और अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो आरती होने ही वाली है, इसलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं माता रानी की वो भव्य आरती, और फिर हम करेंगे पंडित जी से ढेर सारी बातें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सालों पहले यहाँ पर जो ज्योत थी वो लाई गई थी, और करीब तीन पीढ़ियों से एक ही परिवार जो है इस पूरे मंदिर की देखरेख कर रहा है। और ये प्रतिमा जो आप देख पा रहे हैं उन्हीं में से एक हैं। हालांकि इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम लेंगे यहाँ के पंडित जी से, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर और ख़ास मान्यता है और किस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ होता है। मेरे साथ पंडित जी भी हैं। सबसे पहले तो आप अपना, मुझे अपना नाम बताएंगे। विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जी, मुझे जैसा हमने जाना है कि तीन पीढ़ियों से लगातार सेवा कर रहे हैं आप लोग, आप थर्ड पीढ़ी। हाँ हाँ, सन 1914 से हमारे दादाजी स्वर्गीय डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, जो आपके पीछे नहीं हमारे पिताजी का है, पिताजी अंदर वाले में आप देखेंगे उनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो उन्होंने सन 1914 में माँ कामाख्या के मंदिर से दो अखंड दीप जला करके और यहाँ स्थापना किए थे उसकी, जो आज तक निरंतर चल रही है। और माँ के मंदिर की विशेष खासियत है कि लोग प्रत्येक मंगलवार को पूरे वर्ष प्रत्येक मंगलवार को सात खरी हल्दी, क्योंकि सात दिन वीक में सात दिन होते हैं, तो सात दिन अब
प्रतिदिन लोग को मंदिर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसलिए उन्हीं के दादाजी के ही समय से ये ऐसा परंपरा बनाया गया कि 7 हल्दी 9 लाल फूल और 1 सिंदूर के पुड़िया लोग अपनी मनोकामना को लेकर माँ के पास चढ़ाते हैं और माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है पूरे साल। कोई 9 मंगल कोई 21 मंगल जिनका जितना भाव उस चढ़ाते हैं, माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। पूजा की विधि यही है कि जो हल्दी होता है और फूल जो होते हैं वो लेकर के यहाँ पर आते हैं। और कुछ अलग, जैसे कि हमने सुना है कि ये मनोकामना मंदिर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और हमने जितने श्रद्धालुओं से बात की तो सभी कह रहे थे कि यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं पूरी होती हैं। हाँ, वो तो माँ की महिमा है और लोग का मनोकामना पूर्ण हुआ तभी लोग धीरे धीरे जुटते गए। और आप देखेंगे कि मंदिर बहुत ही पुराना है जी। अभी तो थोड़ा डेवलप हुआ इसके नीचे, लेकिन उसका बड़गा जो देखेंगे उसी समय का बना हुआ, पहले झोपड़ीनुमा भी हुआ करता था, बाद में थोड़ा थोड़ा इस्टेब्लिश हुआ। फिर माँ की प्रतिमा और माँ बगलामुखी के पूजा पद्धति से जहाँ पूजा की जाती है। अच्छा, तो कुछ खास होता है उस पूजा में, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। माँ बगलामुखी की पूजा बगलामुखी के यंत्र पे माँ की जो प्रतिमा लगे, माँ के प्रतिमा के पास माँ का यंत्र। एक सवाल मेरे मन में और था, जैसे माँ काली को ही बगलामुखी माता? माँ काली को नहीं, ये है माँ काली का प्रतिमा जो देख पा रहे हैं उनको दिखाएंगे। देखिए, माँ काली की प्रतिमा है और ये पीछे देखेंगे माँ सरस्वती के पीछे माँ बगलामुखी है और यहाँ माँ बगलामुखी की पीतल की मूर्ति है। ये बगलामुखी माँ की मूर्ति है और बगला के साथ ये भैरव जी, भैरव बलि उनके साथ। हाँ, क्योंकि भैरव जी का स्थान सब जगह, जहाँ माँ का स्थान होता है वहाँ भैरव का स्थान होता ही है। तो माँ बगलामुखी का पूजा और भैरव का पूजा दोनों इस मंदिर में विशेष रूप से किया जाता है। और लोग अपनी मनोकामना को लेकर के जो अखंड दीप जल रही है, तो एक घी का एक सरसों तेल का, तो उसमें लोग अपनी मनोकामना को लेकर के उसमें घी या तेल डालते हैं, या कोई मनोकामना पूर्ण होने के बाद डालते हैं, कोई मन्नत लेकर डालते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और नवरात्र के समय में, चारों नवरात्र में लोग 9 दिन के लिए अलग से भी अखंड दीप जलाते हैं माँ के पास, जो जिनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो पूरे, अगर मान लीजिए पूरे दिनचर्या की बात करें, जैसे आपकी बात करें, तो किस तरीके से सुबह शाम कैसे कैसे पूजा? सुबह 9 बजे की आरती होती है, मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है, 6 बजे के बाद फिर मंदिर की साफ सफाई, फिर माँ का और जो भी यहाँ ठाकुर जी लोग, मतलब जो भी प्रतिमाएँ लगी हुई हैं सारे लोग का स्नान ध्यान, उसके बाद ये करते करते 9 बजे फिर माँ की पहली आरती होती है। उसके बाद फिर दोपहर में 12 बजे उनको मध्याह्न का भोग लगाया जाता है, जिसको हम लोग लंच टाइम बोलते हैं, तो माँ को लंच कराते हैं दोपहर के समय। फिर उसके बाद आरती होती है और फिर संध्या 7 बजे एक पूजा की जाती है, शाम में हवन होता है, प्रतिदिन हवन करके और फिर माँ का भोग ला के आरती करके मंदिर का पट बंद किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो माँ की प्रतिमा हमने आपको दिखाई और जो ये मंदिर हमने आपको दिखाया, ये मंदिर पटना का प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि सभी लोगों की मनोकामनाएं जो हैं यहाँ पर आकर पूरी हो जाती हैं, और इसलिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा से यहाँ पर जो दीप चलता है उसके लिए घी और तेल जो है वो भी उपलब्ध कराते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं, उनसे मैं पहले बात कर लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आखिर क्या कुछ श्रद्धा है। एक सेकेंड सर, कहाँ से आए? दीघा से। दीघा से आए हैं, हमेशा यहाँ पे आते? जी। क्या नाम हुआ आप? ऋषि। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर इस मंदिर को लेकर क्या कुछ अलग मान्यता है, कुछ खास जो आप जानते हैं? जो भी इच्छा मनोकामना होती है पूरी हो जाती है। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ? हाँ हाँ, आपने जो भी मांगा वो? यहाँ पे देखिए, और भी ये चढ़ावा मैं देख पा रही हूँ, इसमें कुछ अलग, ये सब एक ही चढ़ाते? हम आज फर्स्ट बार आए हैं। पहली बार आए हैं आप यहाँ पे? पहले से आते? पहले से कुछ खास होता है सामग्री? लाइक जैसे मैं देख रही हूँ नारियल कॉमन है इसमें, और ये जो मखुंदा का, हल्दी बहुत ही खास है। अच्छा, हल्दी कुछ खास रीजन उसको? यहाँ का मंदिर में पता नहीं, लेकिन हल्दी ही बहुत ज्यादा चल। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये भी है कुछ खास, ये हल्दी है, अड़हुल का फूल है, ये नारियल देख पा रही हूँ मैं, ये सामग्री यहाँ पे चढ़ाई जाती है जी। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कब से आ रहे हैं आप? मैं 3 महीना से आ रहा हूँ। 3 महीने से आ रहे हैं। मंदिर के बारे में पहले से जानते थे? जानते हैं, माता रानी सबको कल्याण करते हैं। कुछ मनोकामनाएं आपको ऐसा कुछ मांगा हो आपने? परेशानी था घर में, परेशानी था खुद का, तो आ रहे हैं तब से सुधार हो रहा है बहुत।
अदा किया है। डिटेल में बताना चाहेंगे कुछ? क्या डिटेल बताएं, माता रानी सब पर दया करती है, सब पर कृपा करती है। ये चढ़ावा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सुबह शाम माता रानी को यही चढ़ावा चढ़ता है और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो इनको अपनी डाली देते हैं और ये यहाँ पे चढ़ाते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ खास चीज़ें यहाँ पे माता रानी को चढ़ाई जाती है। नारियल, 7 हल्दी, 9 फूल, सिंदूर, ये चढ़ावा यहाँ पे चढ़ाया जाता है जी। इसके अलावा जैसे कि खास चीज़ जो सबसे फेमस है यहाँ इस मंदिर के बारे में वो यही कि मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं। आप यहाँ पे कब से मतलब 20 वर्ष से काम कर रहे हैं? आप भी मतलब इस परिवार में से? परिवार है मगर मेरा घर कंकड़बाग में लोहानीपुर में। जैसे सुबह कितने देर तक आप रहते हैं? पहले सुबह में आते थे 7 बजे तो जाते थे 3 बजे, फिर रात में आते थे से माता से। से कुछ ऐसी ऐसा बुलावा आता है माता रानी का क्या? आगे बैठते हैं, बिना बुलावे कोई नहीं है। आपका भी बुलावा आया तब आप आए। ये देखिए यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि माता रानी के दर पे अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए आप नहीं आ पाएंगे जब तक माता रानी का बुलावा आपको नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो सभी श्रद्धालु अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर आते हैं और माता रानी झट से उनकी सारी समस्याएँ दूर कर देती हैं। और उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें Twitter पर फॉलो करना मत भूलिएगा।